तो मैं खुद इस दर से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। क्या सोल्जर होने वाली थी प्रीति की डेब्यू फिल्म? क्या हॉलीवुड की सोल्जर भी बॉलीवुड की सोल्जर से इंस्पायर्ड है? क्या है ब्लेड रनर का कनेक्शन इस फिल्म से? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। हाल फिलहाल एक बार फिर से लैमलाइट में आ गए हैं एक्टर बॉबी देओल। जी हाँ, बीते महीनों वो अपनी सीरीज आश्रम के ऊपर चल रहे बवाल को लेकर न्यूज में बने हुए थे और अब एक बार फिर से मीडिया की नजरें उनके ऊपर हैं। जैसा कि हमें पता है कि बॉलीवुड में रीमेक का ट्रेंड जोर पर है और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए नजर आने वाले हैं बॉबी देओल। हालांकि बॉबी देओल को बॉलीवुड में एक ऐसे एक्टर के तौर पर देखा जाता है जो टाइम के साथ खुद को अपडेट रखते हैं और किसी भी ट्रेंड को काफी जल्दी अपना लेते हैं। बॉलीवुड में उन्हें अपने बिंदास मॉडर्न सोच की वजह से भी काफी पसंद किया गया है। तो चलिए वापस आते हैं फिर से एक बार उनके अगले प्रोजेक्ट पर। तो खबरें आई है कि बॉबी की ब्लॉकबस्टर फिल्म सोल्जर का बन रहा है रीमेक, जिसमें वो खुद एक बार फिर से मेल लीड में नजर आ सकते हैं। वहीं क्या आपने हॉलीवुड की फिल्म सोल्जर देखी है? भाई हमने तो देखी है और कुछ नोटिस भी किया है, वो ये कि दोनों फिल्मों में काफी सिमिलैरिटी है। दोनों एक ही साल 1998 में रिलीज हुई थी, दोनों के नाम भी सेम हैं। दोनों ही फिल्म्स में कुछ ऐसे लोगों के ग्रुप को दिखाया गया है जो खुद को बचाने के लिए दूसरे सोल्जर की जगह लेते हैं और उन पर अपने क्राइम्स के झूठे इल्जाम लगा देते हैं। तो बात बस इतनी है कि काफी हद तक फिल्म की स्क्रिप्ट और सीक्वेंस मिलते हैं हॉलीवुड में रिलीज हुई सोल्जर से और मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस का बॉलीवुड फिल्म को हॉलीवुड वाली सोल्जर से इंस्पायर्ड माना गया है। अब ऐसा है कि नहीं, ये तो खुद मेकर्स ही क्लियर कर सकते हैं। हालांकि इसको एक और नजरिए से भी देख रहे हैं लोग, जो ये है कि डेविड पीपल्स, जिसने ब्लेड रनर जैसी हॉलीवुड फिल्म को लिखा, इन्होंने ही हॉलीवुड की सोल्जर फिल्म की स्क्रिप्ट को लिखने में मदद की थी। और साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही थी कि इन्होंने बॉलीवुड में बनी सोल्जर में राइटर्स की हेल्प करी थी। तो इस एंगल से इन दोनों फिल्मों का कनेक्शन बिठाया जा रहा है। एक और दिलचस्प फैक्ट हम आपसे आज फिल्म सोल्जर के बारे में शेयर करते हैं और वो ये है कि असल में प्रीति की ये डेब्यू फिल्म होने वाली थी, लेकिन फिल्म दिल से सोल्जर से पहले रिलीज कर दी गई, जिसकी वजह से प्रीति का डेब्यू इस फिल्म से हुआ। लेकिन डेब्यूटेड फिल्म नहीं हुई तो क्या हुआ? अब ऐसा माना जा रहा है कि प्रीति सोल्जर के रीमेक से ही बॉलीवुड में अपना कमबैक करेगी। डेब्यू नहीं तो कमबैक ही सही। तो अब बस ऑडियंस को इंतजार है तो बस इस फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट का, जो जल्द ही मेकर्स के द्वारा कर दी जाएगी। तब तक दर्शकों को इंतजार है तो बस फिल्म को लेकर नई नई अपडेट्स का, जो हम लेकर दोबारा जरूर आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि बॉबी एक बार फिर से दिखा पाएंगे प्रीति के साथ अपनी ओरिजिनल? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।